अरे वाह, आप तो ऐसे सुन रहे हैं जैसे मैं अनार करी हूं और आप जिले लाइए खबर। यस, भरोसा बस तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने, मिला जब साथ तुम सबका, आज महाकुंभ कर डाला, बना के साथ यू रखना, जमाना हम ही जीतेंगे। दोस्तों, मेहनत जिंदगी क्या होती है और आम क्या होती है, हम जितने भी गरीब लोग बैठे हुए हैं, बहुतों का पसीना ला रहा होगा। पसीना गरीब इंसान की हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। ये पसीना हमसे दूर नहीं जाता, क्योंकि इंसान पानी से नहाता है तो लिबास बदलता है, और इस पसीने से नहाता है ना सारा इतिहास बदलता है। हम जितने लोग हैं, सबसे मुश्किल काम दुनिया के हम करते हैं। सबसे मुश्किल काम क्या होता है? रिक्शा चलाना, मजदूरी करना, नौकरी करना, पल्लेदारी करना, पढ़ाना, ये सब मुश्किल काम हम करते हैं। हमारे से स्ट्रॉन्ग अंबानी का बेटा भी नहीं है। क्या वो 4 घंटे धूप में रह के काम कर सकता है? अरे कर सकता है। हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? दोस्तों, ये जितने मजबूत लोग हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन हमारे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में आगे पता लगा कि जब दुनिया के सबसे मुश्किल काम हम कर सकते हैं, तो आसान काम करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। यस यार लोग, दोस्तों आप बताइए, यहां मेरी माता बहनें बहुत बैठी हैं। मैं अपनी जिंदगी से शुरू करूं, माताओं तक जाऊं, मैं तो जन्म हुआ कच्चे घर में, मां को कच्चे घर में देखा, रोटी बनाते हुए देखा, मैं बड़ा हुआ, मेरा एडमिशन कराया गया सरकारी स्कूल में। मेरी मर्जी से हुआ था क्या? नहीं। अरे मेरी मर्जी से हुआ? मेरे पापा की पॉकेट की मर्जी से हुआ। मेरी मर्जी होती तो मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता और मुझे मेरे पापा ऑस्ट्रेलिया से कोर्स कराते, तो मैं जैकपॉट चला सकता हूं, तो सारा जहाज चला सकता था। यस, आज हमारी लेडीज बैठी है, ये लेडीज जब अपने हस्बैंड से बात करते हुए जब रोटियां गोल बना सकती हैं, तो जैकवार की स्टीयरिंग भी गोल होती है, आप चला सकती हैं। यस दोस्तों, यहां रजत ऐसे ऐसे आते हैं जिन्हें देखकर पैसा तो बहुत दूर चला जाता है, बहुत दूर। यहां ऐसे ऐसे रजत मैंने देखे हैं, आप कहते हैं सर आपको तो कोई दिक्कत नहीं है काम करने में, आप तो बड़े बन गए। क्या बहुत सारे मेरे भाई सोच रहे होंगे हम बड़े बन गए? नहीं भाई, हम जब काम करने आए थे तो ये गड्ढों वाली सड़क थी। हम जब काम करने जाते थे, लोगों को बताते थे, तो लोग हमें सुनाते थे कोई करोड़पति है? मैं कह नहीं, 2500 का चेक हमारा बना है। कोई कहता था भाई कोई गाड़ी है बड़ी, हमारे पास हीरो होंडा पैसन होती थी। कोई कहता था भाई मैंने बन जा बड़ा, बन जा 5 साल काम कर ले, तू जब बड़ा बन जा गाड़ी ले ले, तब हमारे पास आता था, उसे ऐसा लगता था बस मेरे से ये सीटें चलेगी और कोई दुनिया में नहीं है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि तेरे जैसे 140 करोड़ की हिंदुस्तान की आबादी है, तेरे जैसे 140 करोड़ रहते हैं और 1 सेकंड में 56 बच्चे पैदा होते हैं। मेहनत कोई और करता है, ज्वाइन हम कराएंगे। आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है भाई? 80% लोग हिंदुस्तान में एसलीपर पैलेस को जानते हैं या नहीं जानते? अरे जानते हैं या नहीं जानते? एसलीपर पैलेस पहले दिन से ब्रांड था, ब्रांड है और ब्रांड ही रहेगा। आपको कोई पूछे कोई करोड़पति है तो पूछना, बताना कितनों से मिल रहा है। हमने हर शहर में करोड़पति बिठा रखा है। यस, कोई पूछे कोई गाड़ी है, बोला ये बता बैठना किसमें? ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर, बीएमडब्ल्यू, पोर्शे, मर्सिडीज ई क्लास, एस क्लास, बीएमडब्ल्यू एक्स, पर नाम बता।
यस, कोई पूछता है रिजल्ट है कोई? उन्हें पूछना बताना रिजल्ट, यूट्यूब खोलना अपना और ऐसे नोट उड़ाते ना, ऐसे रिजल्ट दिखाना। जन्म से लेकर जन्म से आज हमारे पास 1000 केस ऐसे हैं जिनकी शादी को आज 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल हो गए, मां नहीं बनी। डॉक्टर ने लाखों रुपए लेके कह दिया तू मां नहीं बन सकती। जो लड़की 20 साल से मां ना बनी हो वो अपने परिवार को समाज को कैसे फेस करती होगी? क्या हम नहीं कर सकते? अरे कर सकते क्या आप? ऐसे हजारों लेडी मात्र 10 से 15 हजार का हमारा प्रोडक्ट यूज करके आज वो या तो प्रेग्नेंट है या बच्चे पैदा कर चुकी है। ऐसा दिखाना जन्म से लेके। और कोई आदमी हमारा भाई तक तो ऐसा होता है कि जन्म से लेके कोई मुर्दा भी जा रहा हो ना तो पीठ में पैर हाथ रख दो चक्कर में लड़ो क्या हो सकता है जिंदा होकर बात करने लग जाए। सुनने का मौका नहीं दिया न वो बोलते थे न सुनते थे। जो मां 16 साल से अपने बच्चे से बात सब तो नहीं सुन पाई, हां बताइए वो क्या करेगी, क्या बीतती होगी उस पर? क्या ऐसी टेस्टिमनी आप देखना चाहते हैं? चाहते हैं? मैं रामदास जी से कहूंगा वो टेस्टिमनी एक बार ऊपर लेके फटाफट जल्दी से, टाइम नहीं है। बच्चे को लेकर आराम से बच्चों सर आप बताइए जिसका बच्चा बोलता नहीं हो उस बात पर क्या बीतती होगी? समझ सकते हैं आप? 16 साल तक जिन बच्चों ने अपनी मां को मां नहीं कहा उस मां पर क्या बीतेगी? आज इनका नाम गुरबख्श है, ये अपनी स्टोरी 1 मिनट में बताएंगे। सर कब से क्या दिया, कहां इलाज कराया और आज बच्चा कैसा है? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम गुरबख्श सिंह है और कुल्लू मनाली रोड के एंटीवन में ढाबा चलाता हूँ। हमारे ढाबे में मिस्टर लाल सर जी आए थे और उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बताया और जैसे ही मैंने बेटी को प्रोडक्ट लिए और जैसे सर ने बताया वैसे खिलाए, 1.5 महीने के बाद मेरी बेटी बोलने लगी। उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया, 380,000 का इनाम का ले चुका हूँ अपने सर से, मिस्टर लाल सर जी से और मिस्टर रामदास सर जी से। और उसके बाद आज मैं 200 से प्लस लोगों को अपने साथ लेके आया हूँ और उनके रिजल्ट भी है। थैंक यू मिस्टर रामदास चौधरी जी और लाल सर जी, मिस्टर रामवीर सर जी, थैंक यू संजीव सर जी, थैंक यू थैंक यू। उस काम को करके जो लड़का कच्चे घर में जन्म लिया था
आज 5 करोड़ के पेंट हाउस में रहता है। जो निर्गम पैदल स्कूल जाता था आज जयगवार में और ऑडी में है। और दोस्तों जिसकी जिंदगी की शुरुआत 5,000 रुपए महीने से हुई थी, आज यहां से शायद आपको यकीन ना हो 20 से 30 लाख रुपए महीने कमाता है। आज ऐसी मेहनत को करके मुझे ऐसा लगता है, वो गाना याद आता है गोविंदा वाला, कि मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे वहां जाऊं मैं चाहे ये करूं मैं चाहे ये खाऊं मैं चाहे वहां जाऊं, मेरी मर्जी। या चलो वो तो आपने हमारी बहनों को जिनके हस्बैंड चले गए उनको देखा होगा, मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा आप सबसे, बस टाइम हो चुका है दोस्तों। बाहर को इंसान इंसान जाने के बाद एक दिन के कपड़े दे सकता है, खाना दे सकता है, कुछ पैसे दे सकता है, लेकिन दोस्तों हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों की जो फीस देता है वो बाप होता है और असली बैलेंस होता है। यस यालो, इस काम को पूजा समझ के करना है, पूजा समझ के करोगे तो सब कुछ मिलेगा, और हम काम समझ के सोचेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये काम है ही नहीं। आप बताइए जो 16-16 साल से अपने बच्चों से माँ नहीं कहलवा पाए, आप जो माँ कहती होंगी, बच्चे बोलते होंगे, वो सुनती होंगी, वो जो दुआ मिलती है ना, मुझे ऐसा लगता है हिमालय में तपस्या करने से भी ज्यादा उसका पुण्य होता है। और लास्ट में मैं नहीं कहता असली कस्टमर, नौकरी करो, बिजनेस करो, दुकान करो, मजदूरी करो, पढ़ाई करो, चारों तरफ जाना और अपने आप को आजमा के आना, और जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। यस यानो दोस्तों, ये काम बड़ी सेवा का है, प्यार का है, और आज ये जो परिवार आया है एसलीपीएस वेलनेस का, आपको मैं जितना धन्यवाद करूं कम है दोस्तों, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं। आपके लिए दो लाइन कहना चाहूंगा, तालियां मिलेंगी। अरे मिलेंगी, करो ये कोच रंग लाएगी, और मिले जब हर हर में ये कोच ही जिताएगी, और लगे जब दुनिया पीरानी और न कोई साथ दे तेरा, तेरी एक और कोच ही तुझे फिर से जिताएगी। और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरी जिंदगी के भगवान, भगवान से भी बड़ा कोई होता है, संजीव सर, रामचंद्र सर, जिनके प्यार ने, जिनके दुलार ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। मैं कुछ नहीं था, ना मैं कुछ था, ना मैं कुछ हूं, हम कुछ नहीं है, जो कुछ बनाया है संजीव सर ने, एक प्लेटफॉर्म बनाया हमने, तो थोड़ा बहुत काम किया है, पर वो भी बनाए हुए सिस्टम पर किया है, हमने कोई आविष्कार नहीं किया, हम तो आरपीएन भी नहीं बना सकते, करोड़पति कहां से बनाएंगे, करोड़पति दुनिया में एक ही इंसान बना सकता है जो बना है, और वो है संजीव सिंह। और ये जितने हमारे फ्रंट लाइन पर लीडर बैठे हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, इस प्यार को हुई बनाए रखना, साथ मिलकर चलेंगे। और आपके लिए लास्ट बनता है मेरा काम, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, और होता है मेरा नाम तुम्हारे ही काम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही काम से, तुम जैसे फाइटरों का सहारा है।
तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्त तो क्योंकि इसके बाद वो होने वाला है जिसके लिए आप